हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केक कॉटेज आसनसोल। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 1 पाउंड में 3 टायर केक। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 पाउंड का 6 इंच का बेस बनाया था और एक बेस से ही हम 3 टायर केक बनाएंगे। तो मेरे पास देख सकते हैं आप, एक 4 इंच का मोल्ड मैंने इसके ऊपर लगाया। उसके बाद एक छोटू सा एक टिफिन बॉक्स था, उसके मैंने कटिंग किया था। तो मैंने पहले एक लेयर कट कर लिया, ठीक है। तो एक लेयर कट करके हम साइड रख देंगे। उसके बाद देखिए केक कितना जालीदार बना है। उसके बाद 4 इंच के मोल्ड के हिसाब से हम एक कट लगाएंगे, मतलब जो और 2 लेयर इसमें कट हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें से एक लेयर चाहिए। तो ये हो गया मेरा एक और लेयर, पहले मैंने काटा तो एक लेयर हो गया, मतलब ये स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया। और ये जो बचा है इसमें हम बनाएंगे 3rd वाला स्टेप, और जो बचेगा तो उससे हम बनाएंगे एक और लेयर, वो भी नीचे पोर्शन में। तो देखिए इसके लिए भी मुझे बहुत मतलब दिक्कत हुआ। पहले मैंने इसको वो जो छोटू सा टिफिन बॉक्स था उस हिसाब से मैंने कटिंग किया तो अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने फिर से बहुत बार हजारों तरीके से मतलब कोशिश करके लास्ट बार कटिंग हुआ। तो मैंने उसके अंदर भर के रख दिया फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए एक साथ, ठीक है, ताकि ये राउंड शेप में रहे, ठीक है। तो चलिए इसको फ्रिज में रख के आते हैं। और ये जो बचा कुचा है तो इसको हम पतला करके लेयर करके, ये देखिए एक लेयर हो गया और ये एक लेयर, तो इसी लेयर के ऊपर हम वो जो बचा हुआ है वो एक लेयर बना देंगे, ठीक है। ये तो कोई मतलब कोई नष्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए क्रम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पहला वाला लेयर कटा था वो पहले बिठा दिया, फिर वाटर सोक किया, उसके बाद क्रीम लगा दिया। थोड़ा सा क्रीम लगाया मैंने, घर के लिए बनाया था, ठीक है। तो 1 पाउंड में 3 टायर बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी मैंने कोशिश किया क्योंकि मैंने कहीं भी ट्यूटोरियल नहीं देखा, इसीलिए मतलब मेरा एक भूल हो गया था, वो भी शेयर किया आपके लोगों के साथ, क्या भूल हुआ, किस टाइप मतलब किस तरीके से करने से भूल हो सकता है और कैसे करना चाहिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बचा कुचा था वो हम एक लेयर बना दिया, इसमें हम वाटर सोक कर देंगे और क्रीम लगा देंगे ताकि क्रीम अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए हमने ये हल्का से एकदम हल्का सा क्रीम लगा दिया, और तो मैंने पूरा क्रीम कोटिंग कर लिया एक लेयर का। इसके ऊपर हम देंगे, तो मैंने जस्ट ये वेनिला फ्लेवर का था, घर के लिए बनाया था, कोई ऑर्डर नहीं था। इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट चॉको चिप्स डाल दिया था ताकि खाने में अच्छा लगे, सिंपल वनीला शायद सबको अच्छा ना लगे। तो जो सेकंड वाला मैंने पार्ट कटा था 4 इंच मोल्ड का, तो अब उसको बिठा दिया उसके ऊपर, तो अब इसको भी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, इसके बाद मतलब जो अच्छा दुकान का सेफ होता है ना, उन लोग इस तरीके से क्रम कोट कर लेता है, अच्छा फिनिशिंग कर लेता है, उन लोगों का हैबिट होता है। लेकिन हम लोगों का मतलब हम जैसे मेरे जैसे होम मेकर के लिए बहुत टफ है, इस टाइप से एक साथ 3 लेयर स्मूथ फिनिशिंग लाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, इसीलिए मेरा गलती हो गया। तो फिर से मैंने सबको उठाया, टूथपिक भी लगा दिया ताकि नहीं हिले, 3 पीस था इसीलिए 3 पीस में अलग अलग टूथपिक लगाया ताकि नहीं हिले। तो फिर मैंने कोशिश किया था ताकि हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि क्रीम कम लगे क्योंकि क्रीम घर में अच्छा नहीं लगता बस बना ले। तो मैंने फिर से सबको उठाया, मतलब मेरा और भी टाइम चला गया, फिर सबको एक एक करके धीरे धीरे उसको उठाया, क्रीम को हटाया, फिर से अलग अलग करके सबको मैंने कलर मतलब क्रम कोटिंग किया। तो चलिए सेकेंड वाला भी उठा लेते हैं। तो अब हम इन दोनों को उठा के फ्रिज में रख देंगे और पहले जो नीचे वाला पोर्शन है उसको फिनिशिंग करेंगे, नहीं तो मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा मैं उतना अच्छे मतलब पक्के हाथ वाला नहीं हूँ। तो चलिए मेरे नीचे वाला पोर्शन तो जाएगा ग्रीन, इसलिए हमने ग्रीन कलर का क्रीम लगा दिया, एकदम हल्का लगाया क्योंकि इसके ऊपर जल जाएगा इसीलिए। तो चलिए इसको हम फिनिशिंग कर लेते हैं। अब हम लेकर आएंगे सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो जो कह रहा था मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा, बस अपने मन में आया क्या बनाओ क्या बनाओ, तो बस ऐसे ही बना दिया। पता नहीं कोई पहले इस टाइप का बनाया होगा कि नहीं,
बस मैंने बना दिया, पता नहीं कैसा लगेगा सबको। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे जाके ऐसे वीडियो और भी मिलते रहेगा। तो चलिए, नेल पॉलिश वाला भी वाइट था इसीलिए हमने थोड़ा सा ये वाइट क्रीम लगाया और फिनिशिंग कर दिया। मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर बना लिया, मतलब देश माता के लिए और मेरे बच्चे के लिए। तो चलिए, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट की बारी है, तो इसको भी हम ऑरेंज क्रीम से कवर कर लिया और इसको उठा के लगा देंगे टॉप में। तो चलिए, थ्री लेयर कंप्लीट हो गया। तो देख लिया ना एक पाउंड में कैसे थ्री लेयर बन गया, बस छोटा सा छोटू सा केक बन गया। अब हम रोज़ बनाएंगे वो भी थ्री कलर से, ठीक है। तो मैंने पहले वाइट रखा क्योंकि मिडिल में वाइट रहता है, इसलिए मैंने मिडिल में वाइट रखा। तो ये भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि मेरे पास इतना सारा नोजल नहीं है, एक ही नोजल था और एक छोटा वाला था। तो एक ही नोजल से मैंने पहले सब सादा का मतलब वाइट कलर का क्रीम से मैंने पहले एक कोटिंग किया, फिर सबको उठा के रखा, फिर मैंने नोजल चेंज किया और कलर चेंज किया, फिर जाके एक एक उठा के रोज़ को कम्प्लीट किया। बहुत तकलीफ हुआ भाई लोग। प्लीज़ बहन भाई जो भी देख रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ रहिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हैं हम, मतलब ऑरेंज वाला, ये मेरा छोटा रोज नोजल था उससे हम बनाया, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से ठीक से नहीं बना क्योंकि इसमें से और सारा नोजल लगता है जो एक साथ ही बन जाता है। तो चलिए, कुछ भी करके बना लिया, मतलब ऑर्डर का नहीं था इसीलिए इतना नहीं, मतलब चाप नहीं था इतना। अगर ऑर्डर का था तो मुझे और भी नोजल खरीदना पड़ता। तो चलिए, फिर इस ये जो रोज़ है ना, इसको हमने बना के डीप फ्रिज में रख दिया था ताकि इसको उठाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि उठाते वक्त ये गिर जाता है। तो मैंने जेल कवर कर दिया सबकी लेयर में और उसके बाद रोज़ को रख दिया, थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दिया और बन गया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला केक। तो कैसा लगा ये केक ज़रूर बताएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या क्या आप देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए, मिलते हैं, सबको अच्छे अच्छे रहना, अच्छा अच्छा खाना खाना और बिंदास रहना। टाटा।